हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव का। और प्रीमियर एक्सप्लोसिव में देखें तो लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से आपको रेड कैंडल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि देखें तो इसने अपने हाई से, जो कि आपका 21 जून को लगा था, उसके बाद देखा जाए तो 24 जून, फिर आपको 25 जून, और लगातार आपको नीचे के लेवल से ही दिखाई दिए। कहीं कहीं पर देखा जाए तो इस लेवल पे एक बार संभलता हुआ नजर आया 660 पे, और उसके बाद देखें तो फिर ये लेवल से अगले दिन फिर जो है आपको क्लोजिंग जो है नीचे के लेवल पे दिखाई दिया 800 के नीचे। 800 के नीचे मैंने पहले भी बोला था कि आपका यहाँ पे क्या है, इस लेवल के नीचे यदि जाता है तो फिर आपको 700 के लेवल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से देखें तो आपको ये लेवल करीब करीब 727 का। तो देखिए, 727 के आसपास फिर से यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला और थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। आगे भी देखा जाए तो इसी तरह के उछाल तो आपको बीच बीच में 2-4% के देखने को मिलेंगे, और ये शेयर थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस है। जैसे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये शेयर यदि हम चार्ट पे देखें तो ये शेयर कहाँ तक आ सकता है, ये 544 तक, 550 तक के लेवल से, या मैं कहूँ तो ये इस लेवल तक, 600 के लेवल तक आ सकता है। अब इसके रीजन क्या है तो थोड़ा सा हम देखें ना, तो आपको ये दिखाई देगा ये 2000 पिछले जुलाई में कितना था, 100 के नीचे ये ट्रेड कर रहा था, और वहां से देखे तो 12 टाइम्स का आपको रिटर्न दिया था 900 के आसपास। अभी रिसेंट में देखा जाए तो 20 जून तक, अब यहाँ पे जो जिसने दिया और ये वाली रैली जो हुई, ये रैली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जो कि 542 से स्प्लिट के न्यूज पे आपको दौड़ता हुआ नजर आया। स्प्लिट हो गया, न्यूज चला गया, तो आप देखा जाए तो यहाँ पे आप नीचे के लेवल्स रहेंगे, और बहुत टाइम देखा जाए तो इसी लेवल्स में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे यदि सेंटिमेंट होता है डिफेंस के लेकर, कोई न्यूज आती है या प्रीमियर एक्सप्लोसिव को कोई ऑर्डर्स मिलते हैं, तो देन ये फिर ये यदि इसके ऊपर निकलता है 775 के, तो फिर ये अपने हाई को फिर से टच करता हुआ नजर आएगा। ये तभी होगा जब कोई बड़े न्यूज जो है इसके फेवर में आता हुआ दिखाई दे, अदरवाइज विदाउट न्यूज जो है ये इसी लेवल पे, यदि इस लेवल पे भी खरीदते हैं, यानी 700 के आसपास आप खरीदते हो, तो मैक टू मैक्स आप ऊपर के लेवल पे 750 760 तक आपका, मतलब 6 से 7% का ऊपर का उछाल पे आपको बेचना है। अरे, लॉन्ग टर्म पे रखना है तो मैं पहले भी बोला था आपको इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी चल रहा है, एक बार इस पे लेवल पे आप थोड़ा सा एक्युमुलेट कर सकते हैं, और फाइनल एक्युमुलेशन आपको 591 यानी 600 के आसपास यहाँ पे करना है। यदि ये करते हैं तो क्यों क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रीनर पर जाके क्या करना होगा, आपको इसका पी वैल्यूएशन को देखना होगा कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव का पी वैल्यूएशन आज के डेट में क्या चल रहा है। अब देखें तो 40 का इंडस्ट्री पी है और 140 चल रहा है, तो यदि आधा भी होता है यानी 700 का 350 आ जाता है, तो भी आपका डबल के पी पे रहेगा, यानी करीब करीब देखें तो 40 के मुकाबले 80 भी आ जाता है, यानी 160 150 के आसपास है, तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, पी वैल्यूएशन बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो ये शेयर चल सकता है फ्यूचर बेसिस पे, उस प्रिडिक्शन पे कि फ्यूचर में और भी इसको ऑर्डर मिलेंगे, तो ये बजट के बाद जो है ये चलने की संभावना, या बजट तक एक बार ऊपर गए न्यूज आए। देखिए, आप बात करें तो 18 तारीख को इनका रिजल्ट आ सकता है, तो रिजल्ट को लेकर भी इनके कुछ न्यूज है जो आपको देखना चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए। और इसके साथ देखा जाए तो प्रीमियर एक्सक्लूसिव में अनाउंस रेजिग्नेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, अब ये देखा जाए तो ये मंडे को पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो ये एक न्यूज है, रेजिग्नेशन का न्यूज है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि नीचे जाता है और ये 700 के नीचे आता है, वहां से संभलता नहीं है, तो वहां पे आप कोई एंट्री मत कीजिएगा, कोई एवरेजिंग मत कीजिएगा, फिर आप रुकिएगा, क्योंकि 700 के नीचे यदि जाता है इस न्यूज पे तो बहुत नीचे आपको ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो प्रीमियर एक्सक्लूसिव का यदि हम आज के डेट में पी देखें तो काफी हाई है, कितना है, 136 है, तो यानी ये थी यहाँ से 50% भी नीचे जाता है तो 136 तक कितना होगा, इसके प्राइस को 50% नीचे जाना होगा, तो 350 का यदि प्राइस आता है, जो कि नहीं आना चाहिए, 350 का यदि आता है तो फिर ये तब जाके 40 140 70 के पी पे आके ये ट्रेड करेगा, जो कि इंडस्ट्री पी कितना है 41.7 पे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कि बहुत हाई स्टॉक पी पे रन कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी, बहुत सारे शेयर को 10 गुना 20 गुना 40 गुना ऐसे ऐसे भी शेयर हैं, और चल भी रहा है, आगे भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चीज़ों को आपको लेकर चलना होगा, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, इसलिए जस्टिफाइड है इसका जो पी वैल्यूएशन है।
बुक वैल्यू देखा तो 40 का 40 के 17.4 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के, तो ये चीज़ें हैं। और इन्वेस्टर की पोजीशन की देखें तो यहाँ पे आपको एफआई से उतनी नहीं दिखाई देता, कम किया है। और डीआई ने देखा जाए तो थोड़ा सा बुलिश है, डीआई बुलिश है यहाँ पे। और एज कम्पेयर टू 2021 का जून क्वार्टर से देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग अब तक घटी है, और लास्ट क्वार्टर से भी लगातार जो है यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग घटती हुई नज़र आई थी। अब देखना है कि अगला यदि बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह के यहाँ पे होल्डिंग रहती है एफआईडीआई जो प्रमोटर की, वो डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। और खास करके रिजल्ट्स पे ध्यान रखिएगा, 18 तारीख को मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स है तो वो अनाउंसमेंट यदि आता है तो यहाँ पे हम बात करें सीनियर मैनेजमेंट का ये हो गया। और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर वन रिजल्ट जो है 25 को होगा। और यहाँ पर देखिए प्रीमियर एक्सक्लूसिव प्राइस सब डिवाइडेड इन द रेशियो 1:10। और यहाँ पे बात करें तो प्रीमियर मल्टी 800 के आसपास मिल रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो आपको देख सकते हैं, और रिजल्ट जो है आप देख लीजिएगा। इसके बाद एचएल पे भी ध्यान दे सकते हैं आप, क्योंकि देखिए मल्टीपल ऑर्डर्स जो है आने को होगा तो वहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। टोटल मिला के अभी इस टेक्निकल चार्ट को आप ध्यान में रखिए, और यहाँ पे जो लेवल्स मैंने बताए अभी यदि ये लेवल जो है टूटता है, छोटा स्टॉप लॉस रखिएगा। यदि आप यहाँ से खरीद के जाते हैं तो 89 का मैक्स टू मैक्स 89 से नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे कोई खरीदारी मत कीजिएगा। और यहाँ पे ये कल के ट्रेडिंग सेशन में 724 के ऊपर होता है तो ही बाइंग पे जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा, क्योंकि 720 के बाद फिर से नीचे आ सकता है। और मैक्स टू मैक्स इंट्राडे में आपको 745 का टारगेट रखिएगा, क्योंकि उसके बाद 50 और 60 के बाद यहाँ से निकलता है तो ही आप फिर जो है यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 700 825 का। ठीक है, जिनको भी 825 वाला जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको एक बार यहाँ पे चांस लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। यदि यहाँ पे ओपनिंग ऊपर निगेटिव में होती है और फिर ये जाता है तो फिर ये आपको इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, आज नहीं तो कल। तो लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा रुकेंगे, 1619 पे आपको यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिलेगा, और यहीं पे कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये जो लेवल है ना जहाँ पे टाइम गुजारा है, ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, और फिर से यहीं से रिवर्सल होने के चांसेस होंगे। कोई ऑर्डर या कोई न्यूज़ आती है या रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर यहीं से ऊपर की तरफ जा सकता है। चूंकि 18 जुलाई का रिजल्ट है, और चूंकि इधर बात करें तो नेक्स्ट बजट भी है तो उसको लेके भी आप ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपके साथ डिस्कस करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सभी रजिस्टर्ड हो से बात आप कर सकते हैं यदि जरूरी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।